Welcome everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. We all welcome you to SST Edupedia, a place where you will find all the videos related to your subject as well as your standard. So, last lecture हम लोगों ने देखा था जहाँ पे polar form और उसी के साथ साथ cartesian form के convergence देखे थे. तो आज हम उसी चीज़ को आगे continue करते हैं. So, मैं वापस repeat करता हूँ कि हम लोग 11th science paper 2 chapter number 1 complex number की तरफ बढ़ रहे हैं और 11th commerce paper 1 chapter number 3 complex number. This is पार्ट 7. इससे पहले 6 पार्ट हो चुके हैं, तो इनकेस अगर आपने नहीं देखी होंगी तो प्लीज देख लीजिए उसको. आइए हम आगे बढ़ते हैं. सो लास्ट टाइम हमने देखा था कार्टिशियन टू पोलर, एक ब्रीफ रिवीजन कराता हूं क्योंकि आगे मेरा इसी पे ही है कि प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स. ये था कार्टिशियन जहां पे x कॉमा y होता था, पोलर में r और थीटा आता था आपका. तो इसके लिए आपने r का पहले फॉर्मूला ढूंढा था पाइथागोरस थ्योरम लगा के, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड उसी के साथ कॉस थीटा का फॉर्मूला था आपका एक्स बाय आर एंड साइन थीटा का फॉर्मूला था आपका वाई बाय आर. तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था. उसी के साथ हम लोगों ने कन्वर्जन प्रोसीजर देखा था जहां पे रिप्रेजेंट इन जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्मेट, और उसी के साथ आपको एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट स्टेप टू में आपको आर कॉस थीटा साइन थीटा और थीटा निकालने का था. आर की फॉर्मूला अभी अभी आपने देखी थी, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. कॉस थीटा वॉज एक्स बाय आर, साइन थीटा वॉज वाई बाय आर. आफ्टर दैट यहाँ पे स्टेप थ्री लोकेट क्वाड्रेंट और एक्सिस था. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब सिक्स्थ पार्ट जो हमारा था इसका, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेंट लोकेट किया था. मैंने आपको बोला था वो लेक्चर में कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सिस करेंगे, तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सिस वाला करेंगे जहाँ पे हम लोग एक्सिस को लोकेट करेंगे कि एक्सिस कैसे लोकेट किया जाता है. फॉर क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट में गिरता है तो आपको कंडीशन होती है कि कॉस थीटा और साइन थीटा शुड बी नॉन जीरो, बट इनकेस अगर उनमें से कोई भी एक जीरो होता है तो ही वो एक्सिस पे गिरता है. तो आज हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा जीरो होता है और कौन सा कभी फिर एक्सिस पे आएगा और कौन सी एक्सिस पे आएगा और उस पर एंगल क्या होगी. तो ये था आपका प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, दिस वॉज फॉर क्वाड्रेंट लोकेशन. नेक्स्ट फोर्थ जो फॉर्मूला थी वो भी क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला थी, बट आज जो हम लोग सम करने वाले वो एक्सिस के लिए, तो ये फॉर्मूला मैटर ही नहीं करेगा हमारे लिए. नेक्स्ट रिप्रेजेंट इन पोलर फॉर्मेट द सेम जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर किया था कि जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जेड इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा. दिस इज फर्स्ट इज द पोलर फॉर्मेट एंड सेकेंड वन इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट. आफ्टर दैट आइए एक्सरसाइज 1.3 के ही क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पे आपको दिया है जेड इक्वल टू माइनस वन. अभी सिर्फ माइनस वन दिया, यहाँ पे रियल पार्ट है ही नहीं, तो रियल पार्ट अगर एब्सेंट है तो उसको लिखूंगा जीरो माइनस आई को लिख सकता हूँ वन आई. तो इसको अगर मैं एक्स प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करूंगा, मेरा जो स्टेप नंबर वन है, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करूंगा तो एक्स का वैल्यू मेरे को जीरो आता है एंड वाई का वैल्यू मुझे माइनस वन आता है. सो यहाँ पे आपको पहला स्टेप खत्म हो गया जहां पे आपको एक्स और वाई चाहिए. स्टेप नंबर टू होता है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ आर कॉस थीटा साइन थीटा एंड थीटा. तो अगर आप r निकालने जाओगे तो r का वैल्यू हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ जीरो प्लस वन, दैट इज वन. साथ में cos थीटा इज x बाय आर एंड sin थीटा इज y बाय आर. तो x बाय आर का मतलब क्या होता है, तो x का वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दैट इज जीरो एंड r का वैल्यू इज वन. तो जीरो डिवाइड बाय वन इज इक्वल टू जीरो. सिमिलरली sin थीटा इज y बाय आर, तो y का वैल्यू इज माइनस वन एंड r का वैल्यू इज वन, तो देयरफॉर माइनस वन अपॉन वन इज माइनस वन. यहाँ पे हमने थीटा निकाला है, बट एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कॉस थीटा का वैल्यू जीरो आ चुका है. तो इतना बात याद रखो कि कॉस अगर जीरो होता है तो वो हॉरिजॉन्टल पे नहीं लाइक करता है. ये यहाँ पे आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, हमेशा कॉस हॉरिजॉन्टल पे लाइक करता है, मतलब जीरो या 180, और साइन वर्टिकल पे लाई करता है. अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर जीरो होगा तो प्लस वन दोगे और 180 होगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के होने की वजह से माइनस वन दोगे. वही साइन में अगर बोलोगे तो 90 पे आते हो 270. तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो आप 90 दोगे और अगर नेगेटिव हुआ तो आप उसको माइनस 270 दोगे. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन का वैल्यू नेगेटिव है और कॉस का वैल्यू जीरो है. तो ये ऑब्वियसली क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, ये एक्सिस पे आ रहा है और ये एक्सिस है आप लोगों की नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट इज 270 डिग्री. तो 270 डिग्री हो चुका है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं क्वाड्रेंट की, तो डायरेक्ट एंगल में लिखूंगा दैट इज 3 पाई बाय 2. एंड पोलर फॉर्म में जब भी लिखने जाऊंगा तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो आर का वैल्यू आप लोगों का है 1 कॉस थीटा यानी कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2. जेड इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा, तो आर का वैल्यू अगेन इट इज 2 ई रेस टू आई 3 पाई बाय 2. इतना आपको सभी समझ में आ गया होगा कि अगर बच्चा लोगों कोई भी वैल्यू जीरो होगी कॉस थीटा या साइन थीटा दोनों में से किसी एक की, तो वो एक्सिस पे लाई करता है. अगर दोनों नॉन जीरो है तो बच्चा लोगों वो आपका क्वाड्रेंट में लाई करता है. एक बच्चे ने होशियार ने डाउट पूछा था कि सर अगर दोनों जीरो हो गए, दोनों जीरो हो गए तो सम ही जीरो हुआ ना, फिर कहाँ से सम बनेगा, सम ही पूरा जीरो हो गया क्योंकि यही तो दो एलिमेंट्स है. आफ्टर दैट यहाँ पर तक तो आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे आप लोग एक कार्टिशियन को पोलर में कन्वर्ट करोगे.
बट अगर आपको कभी पोलार दिया रहेगा तो कार्टिशियन में कन्वर्ट करने के लिए पूछा रहेगा तो कैसे करोगे, तो पोलार दिया रहेगा मतलब बेसिकली आपको आर और थीटा दिया जाएगा और आपको कार्टिशियन में कन्वर्ट करना है मतलब आपको एक्स और वाई में लाना है। तो भाई साहब आर की फॉर्मूला और थीटा की फॉर्मूला से आपको एक्स और वाई कैसे निकालोगे, तो आइए उसी की देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई। तो ऑब्वियसली ये देखोगे तो आपका पोलर फॉर्मेट में दिया है जेड इक्वल टू रूट 3 कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6। तो इसके अंदर दो सम हम लोग करेंगे, एक नॉर्मल पोलर फॉर्म है दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको ऑब्वियसली अभी कंपेयर करना पड़ेगा पोलर फॉर्म से। तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कंपेयर करोगे तो आर का वैल्यू आपको दिख रहा होगा रूट 3, थीटा का वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा पाई बाय 6। फॉर अ रेफरेंस अगर किसी ने, वापस बता रहा हूँ मैं, एंगल एंड इस मेजरमेंट नहीं पढ़ाई की है तो प्लीज़ हमारे SST एडुपीडिया के यूट्यूब पेज पे जाइए, आपको वहाँ पे एंगल एंड इस मेजरमेंट के सारे पूरे चैप्टर के सीरीज दिख जाएंगे। उसमें फर्स्ट लेक्चर भी अगर आप ऑब्जर्व कर लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट हो जाएगा ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट दूर हो सके जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, अगर किसी को नहीं आता है कन्वर्जन तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके दैट वुड बी 30 डिग्री, बिकॉज आप रेडियन में इतने कंफर्टेबल नहीं हो, आपको डिग्री में मेजर्स याद है सब कुछ। अभी द थिंग इज दैट कि मुझे चाहिए वैल्यू बच्चा लोगों एक्स और वाई की, तो ऐसी फार्मूलाज मुझे टारगेट करनी पड़ेगी पोलर के अंदर जो मुझे डायरेक्ट एक्स और वाई दे। तो आप लोगों को फार्मूला याद होगी तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है एक्स बाय आर, साइन थीटा का वैल्यू होता है वाई बाय आर। तो यहीं से मैं अपनी फार्मूला बना सकता हूँ, एक्स का वैल्यू हो जाएगा आर कॉस थीटा, सिमिलरली वाई का वैल्यू हो जाएगा आर साइन थीटा। तो उस हिसाब से एक्स आर का वैल्यू कंपेयर करके रूट 3 मिल चुका है कॉस पाई बाय 6, रूट 3 वैसे ही रहेगा कॉस पाई बाय 6 यानी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है रूट 3 बाय 2, ऑलरेडी रूट 3 आ गई है मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 बाय 2, देयरफॉर रूट 3 इंटू रूट 3 इट इज 3 बाय 2। सिमिलरली वाई इक्वल टू रूट 3 साइन थीटा, तो इट वुड बी रूट 3 साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 डिग्री यानी 1 बाय 2 वैल्यू आता है, तो इट इज रूट 3 इंटू 1 बाय 2 दैट इज रूट 3 बाय 2। सो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मिल चुका है हमें 3 बाय 2, y का वैल्यू मिल चुका है रूट 3 बाई 2, देयरफॉर इसको फॉर्मेट में लाओगे तो z विल बी इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो x का वैल्यू आप पुटअप करोगे 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 i, ये हो गया आपका y का वैल्यू। होपफुली आपको ये समझा होगा अच्छे से, जहाँ पे मैं वापस एक बार आपको सारे के सारे स्टेप्स रिपीट करता हूँ। पहले आप इसको पोलर फॉर्मेट होने के वजह से इसको आप पोलर फॉर्म से कंपेयर करोगे, आप आर और थीटा के वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे, उसके साथ साथ आप कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय आर, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई बाय आर इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे, इसको अपने टर्म्स में लाओगे क्योंकि मुझे एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, तो एक्स और वाई को अकेला रखा जाएगा, तो एक्स वुड बी इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई वुड बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा, लास्ट में आर और थीटा की वैल्यूज पुटअप करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड लास्ट में उनको कंबाइन करके x प्लस आई वाई फॉर्मेट में लिख के अपने आंसर को एंटर कर देंगे। होपफुली आपको यहाँ तक समझा होगा। एक और फॉर्म कि अगर यहाँ पे ये तो इसने आपको पोलार में दिया है, अगर इन्होंने एक्सपोनेंशियल में दिया होता तो आप कैसे करते, तो एक्सपोनेंशियल में करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई, द क्वेश्चन इज जेड इज इक्वल्स टू ई रिस टू आई पाई बाय 3। तो इसको अभी एक्सपोनेंशियल से कंपेयर करना पड़ेगा, तो एक्सपोनेंशियल से कंपेयर करने के लिए कंपेयरिंग विद जेड इक्वल्स टू आर ई रिस टू आई थीटा, अभी आर कुछ वैल्यू दिखने रही तो इट इज टर्म्ड एज 1, आर का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड थीटा आपको क्लियरली दिख रहा है इट इज पाई बाय 3। अगेन एंगल इस मेजरमेंट नहीं किया है तो प्लीज वो लेक्चर देख लीजिए, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई, तो पाई पाई कैंसिल होता है 180 बाय 3 दैट इज 60 डिग्री। तो मतलब बेसिकली पाई बाय 3 इज नथिंग बट 60 डिग्री, तो जो भी काम होगा 60 डिग्री को दिमाग में रख के होगा। आफ्टर दैट मेरे को वापस एक्स और वाई ही निकालना है, आर और थीटा मिल चुका है तो उसी तरीके से जाएंगे जहाँ पे हमारा फॉर्मूला था कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय आर, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई बाय आर, देयरफॉर एक्स का वैल्यू हो जाएगा आर कॉस थीटा, वाई का वैल्यू हो जाएगा आर साइन थीटा, आर का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1 बाय 2, तो 1 इंटू 1 बाय 2 दैट इज 1 बाय 2। सिमिलरली वाई इक्वल्स टू 1 इंटू साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 डिग्री, तो इट इज़ 1 इंटू रूट 3 बाय 2, आंसर इज रूट 3 बाय 2। तो यहाँ से मुझे x एंड y दोनों मिल चुके हैं, तो आगे मैं इसको पोलर फॉर्मेट रिप्रेजेंट करूँगा z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई फॉर्मेट में, जहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा मुझे 1 बाय 2 प्लस आई, वाई का वैल्यू रूट 3 बाय 2। तो इसी के साथ आपका ये ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म होता है जहाँ पे आप लोगों ने पोलार और उसी के साथ साथ कार्टिशियन फॉर्मेट में कन्वर्जन सीख लिए। यही एक्सरसाइज में सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ द
कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करके आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जाएंगे। थैंक यू एवरीवन विद फॉर ज्वाइनिंग विद एसएसटी एडुपीडिया।